इस वाले ब्लॉग में हम जर्नी करने वाले हैं बांग्लादेश के टाइटैनिक में। एक एक लॉन जो है आप देख सकते हैं, टोटल 4 फ्लोर्स का है और ये ओपन डेक है। ये मतलब सबसे चीपेस्ट क्लास है। एंड सी द सनसेट, सनसेट तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो है इसका बिजनेस क्लास सीटिंग एरिया है। तो इस जहाज का एक VIP केबिन मैं आपको दिखा देता हूँ। पानी पूरी के अंदर खीरा। एंड यहाँ पे इन्होंने ये वाली लाइट चालू कर दी ताकि जो कैप्टन है वो आगे देख सके। आज की हमारी जर्नी इस 65 करोड़ के जहाज में होगी। इसको जो है द टाइटैनिक ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। देवी और सज्जन नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवरिंग बांग्लादेश सीरीज के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। इस वाले ब्लॉग में हम जर्नी करने वाले हैं बांग्लादेश के टाइटैनिक में। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, आज एक शिप जर्नी होने वाली है। एंड ये जो शिप जर्नी हो रही है दैट इज इन द लार्जेस्ट शिप ऑफ बांग्लादेश। आज हम ट्रैवल करेंगे इन सुंदरबन 16 फ्रॉम बोरिसाल टू ढाका। बांग्लादेश में जो है शिप, फेरी, लॉन्च ये सब बहुत चलता है। रीज़न उसका ये कि जब पौधा सेतु नहीं था तब जो है ढाका से बोरिसाल आने में या पाटुखाली आने में या फिर कुआकाटा जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। मतलब समझ आए कि ढाका से बोरिसाल जो है लगभग 8 से 9 घंटे लगता था और जो लॉन्च है ना उनमें लगता था लगभग 5 या 6 घंटे। तो इसलिए जो है लोग लॉन्च या फेरीज को ही प्रेफर करते थे। मगर आज जो सिचुएशन पूरा उल्टा हो गया है, वो पौधा सेतु बनने के बाद लोग जो है बसों में 4-4 घंटे में आ जा रहे हैं। पहले जहाज़ में इतनी भीड़ होती थी, आपको मैं दिखा देता हूँ, कई बार होता था कि डेक में एक के ऊपर एक बंदा चढ़ जाता था। आज देखिए सब कुछ जो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। टाइम चेंजेस, बट यहाँ लास्ट टाइम जब मैं आया था बहुत लोगों ने बोला था, एटलीस्ट 300 से 400 लोगों ने बोला होगा कि ये वाला जर्नी आप करिए, ढाका से बोरिसाल हमको लॉन्च में लेके जाइए। तो आज हम जाने वाले हैं बोरिसाल से बांग्लादेश की राजधानी ढाका। एंड फिलहाल मैं आ चुका हूँ बोरिसाल लॉन्च घाट में। एंड यहाँ पे लॉन्चेस की एक खास बात है, खास बात ये कि यहाँ पे वो ऐसे है ना कि आप 200 बांग्लादेशी टाका में भी जा सकते हो, 7-8 हज़ार बांग्लादेशी टाका में भी जा सकते हो, मतलब बहुत सारे क्लासेज हैं। और फिलहाल मैं आ चुका हूँ बोरिसाल लॉन्च घाट में। समय है शाम के 5। जितने भी ओवरनाइट लॉन्चेज हैं वो मोस्टली रात के 8 बजे 9 बजे चलती है, मगर मैं जल्दी इसलिए आ गया हूँ ताकि आपको डेलाइट में जो पूरा घाट है ना, जो पूरा ये रिवर है ना, वो अच्छे से दिखा सकूँ। लॉन्च घाट भी यहाँ पर बड़ा सा ही है, मतलब 3-4 गेट हैं घुसने के लिए। यहाँ पे सबके जो शेड्यूल है और जो निर्धारित किया हुआ फेयर है वो है, आई थिंक यहाँ से जाना होगा। यहाँ पे जो है कुछ लॉन्चेस तो खड़े हैं मगर मुझे अपना वाला दिख नहीं रहा, कैंसिल ना हो बस। एंड यहाँ पे 10 बांग्लादेशी टाका का जो है एक यहाँ पे टिकट लगता है, मतलब बेसिकली प्लेटफॉर्म टिकट टाइप का, कि आप जो है लॉन्च घाट में एंटर हो रहे हो। तो यहाँ पे एक के बाद एक जो है लॉन्च लगे हुए हैं। ये जो है आपका शुभराज 9 है, आगे जो है आपका लगा हुआ है ये है पौराबत 11 और आगे जो है ये है सुरोवी 7। मतलब बहुत ही बड़े बड़े हैं, इतने बड़े लॉन्चेस में मैंने पहले ट्रैवल नहीं किया। एक एक लॉन्च जो है आप देख सकते हैं टोटल 4 फ्लोर्स का है, बेसिकली ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। इन्हीं को जो है बोला जाता है टाइटैनिक ऑफ बांग्लादेश। कभी कभार होता है ना ज़िंदगी में कि आप अच्छे से कुछ प्लान करके आए हो, बहुत खुश हो, मगर वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती। तो पीछे जो है सुंदरबन, मतलब ये लॉन्च की कंपनी थी एक्चुअली, उसकी ओर से जो है आज पुरानी लॉन्च आई सुंदरबन 10, तो वो जो है उसमें मैं तो जाने नहीं वाला क्योंकि देखिए पुराना है थोड़ा। और इसके साथ में जो है 3 लॉन्च और लगे हुए हैं, तो उनमें थोड़ा सा देखते हैं, बात करते हैं, मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ फिर बोर्ड करते हैं। और यहाँ पर चल रही है भैया कॉफ़ी और साथ में जो हवा आ रहा है ना भाई साहब, मज़ा आ रहा है। अच्छा, इस वाले फेरी घाट के साथ एक और छोटा सा घाट लगा हुआ है। एंड यहाँ से जो है पार करके उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ है कवाख्या घाट, ऐसा ही कुछ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग बाइक वाइक सब कुछ लेके जा रहे हैं, कह सकते हैं कि रो फेरी है सारी। अभी जो है टोटल 4 यहाँ पे फेरीज लगी हुई है और इनमें से 2 जो है लेटेस्ट है, एक वो पहला वाला। और देखिए भाई, एनीवेज वो पहला वाला और ये तीसरा वाला, ये जो है सबसे लेटेस्ट है। एंड इन दोनों को मैंने अभी रिजेक्ट कर दिया है, अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसमें जाना है। इसका जो है केबिन अच्छा है, उसका जो है अंदर का डेकोरेशन अच्छा है, समझ नहीं आ रहा।
अच्छा जी, तो अभी रात को 8:30-9 बजे के आसपास ही निकलेंगे, तो अभी कुछ करने को है नहीं। यहाँ पे ले लिया पानी पूरी। कि नाम मामा, नाम तो बोलो। कोथा है बाड़ी, भाषा कोथा है? काकुलर मोड़े। अच्छा, और कि बोलो, बोरिशाले की विख्यात हो? हाँ, जल। और यहाँ की पानी पूरी जो है थोड़ी सी अलग है, मतलब जो नॉर्मल पानी होता है ना वो नहीं है, इसकी जगह थोड़ा सा जो है तेतुल जल डाल दिया, और पानी पूरी के अंदर खीरा थोड़ा अलग है। क्या मन लगे माँ, बोलो बोलो। वहाँ पे दूर देखिए एक जो है डीजल टैंकर भी जा रहा है, डीजल एंड पेट्रोल। यहाँ पे बहुत तरह के बोट्स है, कोई स्पीड बोट है, कोई जो है आपका कार्गो वाला शिप है। और सनसेट जल्दी होने वाला है, तो अपने लॉन्च का जो आपको टूर कराता हूँ। वैसे इनके साथ जो यहाँ पे छोटे छोटे और बोट्स हैं जो कि आसपास के एरियाज में जाते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो एकदम पानी पानी से घिरा हुआ है। ऑल्सो अगर आपको नहीं पता, बोरिशाल को जो है द वेनिस ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। रीज़न कि आसपास जो है सभी जगह रिवर से सराउंडेड है, इसलिए यहाँ पे सब छोटे छोटे जगह जाने के लिए आपको जो है ये फेरीज या बोट्स लेनी पड़ेंगी। वैसे मैंने आज सिलेक्ट किया ये शोराज नॉय, यहाँ पे मेरे को लगा सबसे लग्जरियस जो यही है, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। दिखने में भी सबसे अच्छा है, अगर आप देखो तो सबसे अच्छी लाइट इसी की है। तो सबसे पहले एंटर होते ही जो है एक आपका यहाँ पे ओपन डेक है, जहाँ पे आप बहुत ही कम पैसों में ट्रैवल कर सकते हैं, बस से भी सस्ते में। दिस इज़ लाइक जस्ट लाइक 200 or 300 बांग्लादेशी टाका। और ये ओपन डेक है, ये मतलब सबसे चीपेस्ट क्लास है। यहाँ पे भी आप मतलब अपना मैट्रेस या अपना जो है वो लाके, चादर वगैरह लाके सो सकते हैं। यहाँ पे टीवी वगैरह भी लगा है। और ये जो है इसका बुकिंग काउंटर है, यहाँ पे आप सब तरह की चीज़ें जो कैबिन वगैरह है वो सब बुक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लॉन्च में घुसते ही कितने लाइफ जैकेट है, ये सब जो है सेफ्टी के चीज़ें हैं। जो इसकी कैपेसिटी है दैट इज़ 985, सही तो लिखा मामा, 985 की कैपेसिटी है। मतलब सोचिए कितना बड़ा ये जहाज है। तो सबसे पहले अपन जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में, देखा नहीं क्या है बिजनेस क्लास। कोनोटा खोला था क्लिक टू, देखे थे ना। अच्छा, यहाँ पे जो है बहुत VIP केबिन्स है, सबके अलग अलग जो है नाम है यहाँ पे, और स्मार्ट की से खुलते हैं। तो इस जहाज़ का एक VIP केबिन मैं आपको दिखा देता हूँ। एक डबल बेड है एंड रूम तो पूरा चिल्ड हो रखा है, स्प्लिट एसी दे रखा है यहाँ पे, एंड रिमोट वगैरह टीवी के है, एक फ़ैन है, क्लॉक भी देखिए कितना ज़्यादा जो है अमेजिंग है, एंड एज़ यूजुअल टीवी है, बैठने की जगह है, एंड बाहर जो है बैल्कनी है। बैल्कनी है कि वॉशरूम है? बैल्कनी एक आपको जो इसमें प्राइवेट बैल्कनी और साथ ही साथ एक वॉशरूम भी मिल जाता है। अपना दिल लॉन्च है कि डुप्लेक्स का भी ना हो। हाँ ठीक है, थैंक यू। इटर प्राइस का था 5000? ना 4000। अच्छा 4000, ओके। इनिशियली जो है मैं सुंदरबन सोलो और प्रिंस औलाद के लिए आया था, बट वो दोनों शिप्स आज नहीं है, इतनी बुरी किस्मत है। उनमें जो है लिफ्ट वगैरह भी है, उनमें डुप्लेक्स कैबिन वगैरह भी है, मगर क्या करें, किस्मत जैसा है वो है। इसके आगे जो है हाँ पूजा जी, मामा जो है सब कुछ टूर करा रहे हैं, एक्सपर्ट है। एंड यहाँ पे आपके लिए एक कैफ़े है छोटा सा, कुछ भी अगर खाना हो ना, स्नैक्स वैक्स तो खा सकते हैं। चिकन फ्राई एक पीस 100 का है, बर्गर जो है कुछ बर्गर जो है 120 का है, फ्रेंच फ्राइज इज 80। तो ये सब प्राइसेज एंड प्राइसेज आर ओके फॉर अ लॉन्च, क्योंकि पानी के ऊपर हमें खाना तो कोई और देगा नहीं। मैं तो खोला आज। अच्छा, ये जो है इसका बिजनेस क्लास सीटिंग एरिया है, इसमें आप बैठ बैठ के जर्नी कर सकते हैं, पर चेयर जो है काफ़ी रिक्लाइन हो जाती है। इसका जो फेयर है आपके स्क्रीन पर मैं लिख दूंगा, एंड इसमें कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है 4x4x4, एंड इसमें भी जर्नी कर ही सकते हैं, 7-8 घंटे की जर्नी है। थोड़े अगर सस्ते में जाना चाह रहे हैं तो इसमें जो है आप बैठ जाएंगे आराम से, एंड अच्छे खासे सीट्स लगे। क्या मन लगते मामा, आराम अच्छे ना? नहीं सुविधा नहीं वैसी। और यहाँ पे जो है VIP के लिए एक अलग सा जोन बना हुआ है, जिसमें जो है सारे VIP केबिन्स हैं, एंड थोड़ा सा जो है
कॉमन एरिया भी है जहाँ पे आप लोग मतलब बैठ बैठ के जो है बातें कर सकते हो, मगर इनके प्राइस है जो मुझे ज़्यादा ही लगा फ़िलहाल के लिए 156 सीट्स है जिसका प्राइस है 400 बांग्लादेशी टाका। और यहाँ पे जो है दो वॉशरूम है और दो वॉश बेसिन दे रखे हैं अगर आप बिज़नेस क्लास वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो। और ये मामा जो एकदम टूर गाइड बन के घूम रहे हैं। 341। तो इसमें जो है आपको दोनों साइड सिंगल कैबिन्स मिल जाएंगी जो कि मैंने आज लिया है। इन्होंने जो है नीचे से ऐसा की दे दिया है 341 सिंगल कैबिन लिखा हुआ है। 3940 आई गेस ये वाला मेरा कैबिन है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी एसी वैसी अभी चला दिया गया है, सूटकेस में रख के गया था थोड़ी देर पहले। एंड मोर ओवर इतना जो है लग्जरी और इतना ज़्यादा नया नहीं है, मतलब कोई 3-स्टार होटल जैसा नहीं लग रहा जो कि बाकी लॉन्चेस में है, पर ठीक है एक रात बिताने के लिए आई थिंक काफ़ी है, आराम से सो सकता हूँ और खूब ही था अकेला। बाकी इसका बेड सिंगल के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, ठीक है, बट कमरा जो है ओवरऑल छोटा सा ही है। एंड वॉशरूम जो है वो बाहर है, कॉमन वॉशरूम है। एक फ़ैन दे रखा है एंड दो जो है एसी के आपके वेंट्स है। एक मिरर भी है जिसमें आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा जो है पसीने से मैं भीग चुका हूँ, तो आपका ना लाइक करना बनता है। एंड सी द सनसेट, सनसेट तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अच्छा ये जो है सब टॉप फ्लोर है इसका एंड ये इसका आई थिंक रनिंग रूम होगा। यहाँ पे कुछ फैमिली कैबिन्स भी है एंड ये ओवरऑल छोटा सा है बट डेक जो है अभी लॉक्ड है, मतलब अभी जो है अपन टॉप डेक पे आ गए हैं। एंड ये जो है शिप का कॉकपिट है बोल सकते हैं, रनिंग रूम है, यहाँ पे सब कंट्रोल्स वगैरह है। अच्छा अगर किसी को सवाल होगा ये क्या चीज़ है या फिर आपके जो कैप्टन है शिप के वो कैसे रात को देखते हैं, तो ये जो है फ्लड लाइट टाइप की चीज़ है, ये सामने पूरा फोकस मारता है जिससे वो आने वाले कुछ शिप्स छोटे बड़े देख सकते हैं। अच्छा वापस से मैं अपने कैबिन में आ चुका हूँ। एनीवेज एसी वैसी चल रहा है यहाँ पे, तो मगर हालत देखिए पूरी शर्ट जो है वो गीली हो गई। थोड़ा सा एसी में आराम करने बैठने वाला था कि देखा कि मोबाइल में पूरा नेट वेट जो है ख़त्म है, स्नैपचैट में लोगों के साथ स्टिक्स ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं बाहर गया 200 बांग्लादेशी टाका का रिचार्ज कराया। एंड अब जो है रूम जाके थोड़ा बहुत एडिटिंग करूँगा एंड देन वी विल डिपार्ट फ्रॉम बोरिशाल लॉन्च घाट। ये जो मैंने अभी दिखाया ना दैट वॉज अ रनिंग रूम एंड रनिंग रूम के जस्ट पीछे जो है किचन है। अगर आपको कुछ डिनर चाहिए खाने वाने के लिए तो आपके रूम में ही आ जाता है जो कि हम बाद में ट्राई करेंगे। लॉन्च का मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है कि पौधा सेतु बनने के बाद जो है पैसेंजर वगैरह बिल्कुल कम हो गए, तो उनकी जो आमदनी है वो भी कम हो गई। जो भी अब ये सब तो चलता ही रहता है, अभी जो है ट्रेन चलेगा पौधा सेतु के ऊपर से, तब जो है बस वालों का हालत ख़राब हो जाएगा कि तब उनको पैसेंजर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है सेकंड और थर्ड लॉन्च जो दोनों निकल गई 12/11 और जो वो था उसमें कैबिन बहुत अच्छे थे जो तीसरे नंबर पे लगा था, मेरे को उसी में जाना चाहिए था। मीनवाइल वहाँ सुंदरबन 10 भी निकल गया। रात के 9:15 हो रहे हैं और हमने अभी अभी पुशबैक किया है, हालांकि टाइम 8:30 का था, मगर क्या है कि आजकल पैसेंजर्स नहीं है ना, तो थोड़ी थोड़ी लेट निकल रही है लॉन्चेस। और थोड़ी देर में जो है आपके लिए रहेगा इस शिप का
जो रनिंग रूम है उसका टूर और साथ ही साथ जो भी खाना पीना मिलता है उसका रिव्यू। यहाँ पे जो सब लाइट्स वाइट्स इन्होंने ऑफ कर दिए, ये हालांकि जल रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे इन्होंने ये वाली लाइट चालू कर दी ताकि जो कैप्टन है वो आगे देख सके जैसे कोई शिप आ रही कि नहीं, जैसे ये वाली जा रही है। अच्छा अभी हम चल रहे हैं कीर्तनखोला रिवर से, इसके बाद जो है अपन मेन बड़े रिवर में एंटर होंगे, दैट इज़ द मेघना रिवर। ऑल्सो काफ़ी टाइम बाद जो है मैं एक ओवरनाइट लॉन्च जर्नी कर रहा हूँ। लास्ट मैंने की थी आई थिंक प्रोबेबली 15 साल पहले जब मैं छोटा सा था, पापा जो है मेरे को लेके गए थे फैमिली के साथ सुंदरबन। वो क्रूज़ बहुत अच्छा था, विवाड़ा का था। एंड आज विवाड़ा का MV परमोंश इतना कॉस्टली कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एनीवेज हम निकले हैं यहाँ पे बुरिशा लॉन्च घाट से रात के 9:15। मुझे उम्मीद है कि अपन सुबह 5 बजे तक ढाका के सदरघाट लॉन्च टर्मिनल में पहुँच जाएँ। वो टर्मिनल जो है बहुत बड़ा, मतलब जहाज आप गिन नहीं पाएंगे इतना बड़ा। तो सुबह तो मैं वो देखाऊंगा। जैसे अभी मैंने अपने केबिन सुपरवाइजर को ऑर्डर कर दिया और मैंने ऑर्डर कर दिया दाल चावल और मैश पोटैटो, आलू भरता बोलते हैं बंगाली में। एंड जब अपन मेघना रिवर पे पहुंचेंगे ना, आपको बड़े से बड़े कार्गो शिप दिखेंगे। एंड टाइम इज़ 9:32, उन्होंने बोला है कि 10:30-11 बजे डिनर देंगे, तब तक जो है मैं अपना एडिटिंग का काम कर लेता हूँ। अच्छा इस वाले रूम के लिए मैंने पे किया टोटल 1000 बांग्लादेशी टाका, मतलब अराउंड आप मान लीजिए 800 रुपये के आसपास। और जो ये पूरा जहाज है ना, इसका जो इंजन है वो तो कोरिया से आया है और इसका जो बॉडी बनाया गया है वो बांग्लादेश में, तो काम काफ़ी अच्छा हुआ है बोलना पड़ेगा। एंड बांग्लादेश जो है धीरे धीरे इनोवेटिव हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री बन रहा है, वो खुद बस भी बना रहा है। इतना बड़ा लॉन्च उन्होंने खुद बांग्लादेश में बना लिया, तो आई रियली अप्रिशिएट। और उधर हम तो भाई साहब सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी बस ट्रेन कोचेस इंजेंस सब कुछ बना ले रहे हैं। तो डेफिनेटली जो लोग बांग्लादेश से देख रहे हैं, प्राउड फील कीजिए कि ऐसा एक इंजीनियरिंग मार्वल बांग्लादेश में ही बना है। लॉन्च में भाई साहब बैठा था, यहाँ पे सब कुछ अचानक से कांपने लग गया, पता नहीं क्या हो रहा है, टीवी भी सब कुछ कांप रहा है, जाके चेक करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा समझ गया भाई साहब, वहाँ पे बोल रहे थे कि डायरेक्ट ढाका है और यहाँ पे अभी पिकअप करने आ गए। अच्छा रात के 10 बज रहे हैं, अपन पहुँचे हैं चौर मुनाई लॉन्च टर्मिनल, ये छोटा सा ही है और जल्दी पिकअप करके निकलेंगे। बस हो गया जी बोर्डिंग 2 ही मिनट के अंदर। कोई स्पेशल गेस्ट था इसलिए शायद यहाँ पे अपन रुके, बाकी सब जो है सी ऑफ करने आए थे। जितना मैं समझ पा रहा था आई थिंक कोई पॉलिटिशियन ने बोर्ड किया, मुझे आइडिया नहीं यार, आप लोग बता देना, क्योंकि जैसे ही वो बोर्ड किया ना तुरंत जो है सब पॉलिटिक्स की आलोचना होने लग गई। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ डिनर का। ठीक है, वापस से जो है मैं चला गया हूँ अपने बचपन में। गाइज वहाँ पे जो है टॉम एंड जेरी चल रहा है, रात के 11 बज रहे हैं, डिनर इज सर्व्ड, चाहे तो आप भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा ना बचपना वाला फील आ रहा है। एनीवेज मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये है राइस एंड बहुत सारा दिया है, पता नहीं कितना ही ख़त्म कर पाऊँगा। दिस इज़ अ 40 BDT। दाल है आई गेस 20 या 30 BDT की, दाल तो ठीक है कम क्वान्टिटी में दिया है। यहाँ पे सैलड के नाम पे क्या दिया है, नमक नींबू और मिर्ची, ये थोड़ा बेटर हो सकता था, एटलीस्ट खीरा तो डाल देते। एंड यहाँ पे मैंने जो चिकन मंगवा लिया, दिस इज़ अराउंड 120 बांग्लादेशी टाका, सबके कन्वर्जन जो है आपके स्क्रीन पे होंगे। शुरू करता हूँ अपना डिनर।
तो जी स्टार्ट मैं कर रहा हूँ दाल चावल और आलू के चूखे के साथ। आलू चूखा आप समझ सकते हो, ये तो बिहार और वेस्ट बंगाल में भी चलता है। दिस इज़ बेसिकली मैश पोटैटो विथ सम अनियन सम चिलीज एंड ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है सरसों का तेल। फिलहाल तो टेस्ट ठीक लग रहा है, टेस्ट जो है मुझे ठीक ठाक लग रहा है, ना अच्छा ना बुरा, बट बांग्लादेश में जितना मैंने अभी तक खाया ना उस हिसाब से काफ़ी बुरा है, थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। ग्रेवी जो है ना काफ़ी टेस्टी है चिकन का, मतलब एकदम होमली स्टाइल है, थोड़ा बंगाली स्टाइल है, बट वही है कि अगर गर्म नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। भाई साहब इतनी रात को फिशिंग कौन कर रहा है? यहाँ पे जी स्पीड काफ़ी कम है, मतलब 10 नॉटिकल माइल्स ओवर। यूजुअली आई एक्सपेक्टेड दिस टू रन एट 20 टू 25 नॉट्स, मतलब 50 किलोमीटर्स पर आवर, बट ठीक है यार सुबह पहुँच के भी करना ही क्या है। यहाँ पे जी हम मेघना रिवर में एंटर तो हो गए, मगर कोई बड़ा जहाज़ मुझे नहीं दिख रहा उसके अलावा, वो तो हमारे साथ ही चला हुआ है। अच्छा जी रात बहुत हो गई है, थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ क्योंकि कल मुझे पूरे दिन व्लॉग बनाना है, तो थोड़ा अगर रेस्ट नहीं लूँगा तो मैं नहीं बना पाऊँगा। सुबह जब सनराइज़ होगा ना तब बहुत ही बढ़िया लगेगा। उन्होंने बोला है कि 5:30 बजे ढाका पहुँचेंगे, मुझे उम्मीद है कि सुबह जो एक प्यारी सी जर्नी मैं आपको दिखा पाऊँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग जी, सुबह के 6:45 हो रहे हैं, ढाका के शौदरघाट लॉन्च टर्मिनल में पहुंच चुके हैं। वेलकम टू ढाका, और मैं कहूंगा कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हालांकि अगर थोड़ी और लंबी जर्नी होती ना तो और मज़ा आता, मतलब मेरा मन भर गया बस यही है। सुबह मैं एक्चुअली 4:15 बजे उठा था जब हम नारायणगंज पे थे, तब जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था, तब लाइट नहीं आई थी एंड फिर जो है अपन ढाका ही पहुँच गए। एनीवेज़ ये वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी करना कुछ नहीं है, अभी बहुत टाइम है मेरी बस में, 9:30 बजे तो मेरी बस है एंड यहाँ पे एक के बाद एक जो है लॉन्च ही है। मगर मैं ये बोलूँगा कि अगर अब से 2-3 साल पहले कंपेयर करें जब पौधा से तो नहीं था, तो तब जो है लॉन्च का मतलब और भी ज़्यादा क्रेज़ था, जो कि अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है लोगों में, बट यही बोलूँगा कि एक अलग मज़ा आता है, मतलब एकदम ही आराम से सोया मैं, जितना आराम से ट्रेन में सोता हूँ ना उससे भी अच्छा। कभी कभार जो है बेड थोड़ा बहुत हिल भी रहा था मगर मज़ा ही आ रहा था। अब बस सूटकेस लेके नीचे जाना है एंड
वो 6 बजे तक का टाइम देते हैं रूम छोड़ने का। अगर आप ढाका पहुंचने के बाद भी फ्रेश होना चाहते हैं, थोड़ा ब्रश वश करना चाहते हैं, तो आराम से जो है रूम छोड़ सकते हैं। खाने का जो बिल है दैट इज़ 290 बांग्लादेशी टाका। एंड जो बैल्कनी साइड है ना, वो सारे नॉन एसी कैबिन्स हैं, तो भले ही आपको बैल्कनी व्यू मिल जाएगा लेकिन एसी नहीं मिलेगा। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें, अगर ये सेम सुंदरबन 16 होता या प्रिंस औलाद होता तो डेफिनेटली मैं एक अच्छा कैबिन लेता, क्योंकि उन शिप्स में जो है लिफ्ट वगैरह भी है, उसमें जो है अटेंडर्स भी जो है थोड़े और अच्छे यूनिफॉर्म वगैरह में रहते हैं, एकदम उसमें जो एकदम फील आता है। मगर क्या करें, जो किस्मत है वो किस्मत है। आप लोग अगर सपोर्ट दिखाएंगे तो देखिए आना जाना तो लगा रहेगा, अगली बार जो है वो कर लेंगे। ये ब्रिज थोड़ा सा यहाँ पे ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ पे जो है बोरीशाल में काफ़ी अच्छा लगा था। एनीवेज ये अपना लॉन्च था, एक बार दिन में अच्छे से दिखा देता हूँ। हालांकि जब तक लाइट जलता नहीं ना, फील नहीं आता वो वाला, लाइट के बिना जो है थोड़ा देसी देसी फील आता है। यहाँ पे लाइन से सारी लग रखी है, शुभराज के बगल में मनामी, फिर जो है शुरोभी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। इस वीडियो पे अगर रेस्पॉन्स आएगा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत लाइक कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, अगला वाला व्लॉग होने वाला है इन माई फेवरेट बस। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें। तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।